वाहगुरु जी का खालसा, वाहगुरु जी की फतेह। अज सवेरे मैं जिस वक्त उठाया तो जो नज़ारा गुरुद्वारा नानक पेव साहब से नगर कीर्तन निकलने के वक्त सी, वो सारा नज़ारा जड़ा सी वो मेरी अखा के सामने आ गया सी। और मैं बयान नहीं कर सकता कि ये जड़ी सोच सी गुरु नानक पातशाह ने सानू 2 साल पहले दिती सी। सानू चिट्ठी जड़ी सी मिली सी और उन्होंने कहा भी तुसी नगर कीर्तन 2019 लै के आओ। ये नगर कीर्तन एक इतिहासक नगर कीर्तन होके गुजरिया और मैं समझा कि ये अगर गिनीज बुक विच भी आ सकता है तो जरूर आएगा। सब तो वड्डी गल जिहड़ी इह सी कि इस नगर कीर्तन नूं रुकवाउण दे लई बादल दल ने अपना पूरा ताण बाण ला के रख दिता सी, पर उन्हां दी चली नहीं। जो सेवा गुरु नानक साहब ने सानू बख्शी सी वो सेवा जिहड़ी सी गुरु नानक साहब ने आप साडे पासों पूरी कराई। असी तकरीबन 8:30 बजे असी गुरद्वारा नानकपुर साहब पहुँचे सी। 9 बजे नाल जद महाराज की सवारी लैके संत अमृतपाल सिंह जी गुलशन जी महाराज लैके उपर तो हेठा आए तो इंज लगता सी संगतां दा हड़ आया होया। अखां विच्चों संगतां दे दर्शन करके अथरू वग रहे सन। बस उस काल पुरख ने साड़ी सेवा जिहड़ी है वह पूरी ला रहा है। फिर जो नगर कीर्तन निकलिया वह अपने आप में एक मिसाल सी। दिल्ली के बार्डर तक तकरीबन 82 बसा साढ़े नाल सन, हज़ारों की तादाद के विच कारां सन और कई हज़ार मोटरसाइकिल सन। इंज लगता सी भी GT रोड अज सिखां दीआं वहीकल्स नाल भरी हुई सी। हरियाणा की सरकार ने मुख्यमंत्री ने सारे बैरियर हटाते सन साडे वास्ते और अपनी सरकार वालों स्वागत करने लई पुजाया सी। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी इस नगर कीर्तन की शुरुआत लई पुजे सन। तो मैं उस दिन स्टेज तो कहता सी भी आने वाला जिहड़ा समा हैगा वह तुहाडा समा है। ये नगर कीर्तन जब वाघा अपना शंभू बार्डर ते पहुँचया तो मैं ये समझावां कि यह नज़ारा जिहड़ी संगत नाल सी जिहड़ी संगत उत्थे सी यह नज़ारा शायद सिख कौम नूं अरदास करदे आ भी कई बार देखण नूं मिले, पर अज तक दे इतिहास दे विच इह जिहा नज़ारा कदी वेखण नूं नहीं मिलिया। उस सारे शंभू बार्डर के उत्ते जिहड़े इस नगर कीर्तन दे स्वागती दे लई इंचार्ज सन जिन्होंने सारा प्रबंध किया सी वह माननीय परनीत कौर सी। पंजाब दे गवर्नर भी अपनी ड्यूटी समझे उत्थे हाजिर सन। सैकड़े कई मिनिस्टर कई MLA कई वर्कर उत्थे हाजिर सन। वो नज़ारा जिहड़ा सी वह मैं समझा कि आने वाले दिनों दे विच जिहड़ी वीडियो फिल्म रिलीज़ होएगी उस दे तुहानूं दुबारा वेखण दा मौका मिलेगा। रात असी लुधियाने विश्राम किया जिथे कि हज़ारा बंदे सन विश्राम करने वाले, पर प्रबंधकों ने कोई ऐसा शख्स नहीं सी जिन्हों सौण दे लई चंगी जगह ने दिती होवे, लंगर ना दिता होवे। और सवेरे असी लुधियाने तो चाले पा दिते। नगर कीर्तन जा सत्कार लुधियाना जलंधर होया उद्दे इंतहा जिहड़ी सी वह जलंधर तो कपूरथला रोड ते जद असी पहुँचे तां इंतहा खत्म हो गई। जब मेरे को वीडियो वाले सोशल बाइट वाले TV वाले बाइट लैन आते सन तो संगतां दे हजूब नू और जड़ी उन्हां दी गुरु प्रति श्रद्धा सी उस नू वेख के अपने को लोग को इंटरव्यू नहीं देन होया। अखां चों अथरू आ रहे सन बे इतना सत्कार है गुरु का। और मैं समझा कि जे ये बार्डर ना होंदा तो उस दिन सारी संगत ने साडे नाल ननकाणा साहब तक जाना सी, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। 15-20 किलोमीटर के
एक टीवी वाला अपने बोल रहा सी कि मेरे को ले जे 100 कैमरे आवन मैं संगत नू नहीं दिखा सकता, और कोई भी अगर पत्थर भी उत्तों डिगेगा तो हेठा कंकर भी डिगेगा तो हेठा नहीं डिग सकता, इतना संगतों का इकट्ठ हैगा। संगत जी देख सकते हो कि किस तरीके संगतों के एक प्यार हैगा नतमस्तक होने वास्ते, जो जन सैलाब जिहड़ा थे उमड़ के आ रहा। गलबात करांगे सरदार परमजीत सिंह सरना साहब के नाल, की कहना चाहोगे सरना साहब? संगतों का जन सैलाब उमड़ के आ रहा, किते किते तुरन नूं भी थां नहीं मिलती पई, असी भी किते कैमरे दे विच देखिए ना ते गुम हो जांदे आ। मोबाइल होन भावें लखां दे कैमरे खरीद लिए, पर जो अखां दे नाल दीदारे हो सकते हैं कैमरा उन्हें कैद नहीं कर सकता, की महसूस करते हो? बिल्कुल भावुक हो रहे ने, क्योंकि मैं जो गल की कि कैमरे जे कैद नहीं कर सकते, मोबाइल जे कैद नहीं कर सकते, तो लफ्ज भी बयान नहीं कर सकते, तो जिहड़ी श्रद्धा सत्कार सी वो सानू तरन तारण वाला सुल्तानपुर लोधी तो लैके अमृतसर तक मिली, फिर अमृतसर तो लैके बार्डर तक हुई। बार्डर ते आके सानू दस्या तो नहीं गया, असी सवेरे टाइम सिर पहुँच गए सी, पर जिले संगत अद्धी तो बाद जा चुकी सी, ते तां असी इमीग्रेशन वाले नू कहा, उन्हां साडे पासपोर्ट लै ले सन। मैं सोचा पासपोर्ट लेने भी चलो सानू लाइन च ना खड़ा होवे ते मोर ला के दे देणगे। वो वड्डे अफसर सन सरदार मनजीत सिंह, उन्होंने सानू बुला लिया, कहण लगे कि मैं खेमा दा जाचक हाँ, मैनू दिल्ली तो मैसेज आए कि तुहानू जान नहीं देना, यह तुहाडे ते केस हैगा। मैनू पता सी ये केस जिहड़े सन ये बादलां ने रखवाए, हरसिमरत कौर ने रखवाए, सुखबीर सिंह बादल ने रखवाए, दिल्ली दे कमक्कड़ प्रधान सरसा ने रखवाए, हरमीत सिंह ने रखवाए। ये अपने आप नू बड़ी खुशी महसूस कर रहे सन, पर मैनू अफसोस इस गल दा सी कि मैनू अपने मेरे तो रोक लाने का मैनू अफसोस नहीं सी, मैनू अफसोस इस गल दा सी कि जिहड़ी गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी गुरुद्वारा नानक प्यारे साहब तो लैके ननकाणा साहब जानी सी, उस बस में ही जाने तो उन्होंने रोकता। पर मैं समझा कि सिख कौम के इतिहास के इन्हों का स्थान जिहड़ा सी ना, उस सिख कौम को सब तो वध नुकसान पहुँचाने वाले मीर मनू जकरिया खान वगैरह वगैरह जिहड़े सन, उन्हां नाल ना जुड़ गया। मैनू बाद च आके पुछया गया प्रेस वाले ने भी तुहाडा की, मैं कहा जी कोई गल नहीं, इन्हां ये अफसर तो मेरे नाल बहुत अच्छी तरह पेश आए, पर दिल्ली तो बादलां ने जिहड़ी सरकार च बैठी हुई सी मंत्री हरसिमरत कौर और सुखबीर सिंह, इन्हां करके ते मनजिंदर सिंह सरसा करके हरमीत करके सानू ये रोकया गया। कोई गल नहीं, मैं परसों हाई कोर्ट च ऑर्डर लैके वापस आवांगा। पर अफसोस जिहड़ा सी कि बस तो गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी उतारी गई, महाराज की जड़ी है सी उसनों उतारिया गया, हैं जी उतार के पाकिस्तान के सिंघा ने कुछ BSF वाले ने, क्योंकि इतनी भारी सी 400 किलो तो वध वजन सी पालकी का, उन्होंने अपने मोढ़ियां ते रख के उन्होंने पार कराई। फिर उन्होंने नवी बस जड़ी सी लाहौर तो नवी गड्डी लाहौर तो भेजी भाई, उस दे विच गुरु ग्रंथ साहब की सवारी ननकाणा साहब तक जाएगी, कितने एक पासे ये ते कितने एक पासे वो पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वाले, सोच देखो दोवां दी। पर एक गल मैं दस दिया तुहानू, उस वक्त मैं बयान किया सी एक साल दे विच जिन्हां ने इस गुरु नानक दे नगर कीर्तन दे विच अड़चना पाईआं वो अपनी राजगद्दी तो बंदे हो जाणगे। मैं उस कार पुकड़दा तुहादियां वो मेरे मूँह तो लफज तो इवें ही निकल गए, पर अज मैं सवेरे जिले उठिया तो मैं देख रहा सी कि अज हरसिमरत कौर कितें नहीं हैगी दिल्ली की सरकार दे विच, अज इन्हां दे हालात ये हो गए कि दिल्ली की पुलिस का आम सिपाही भी इन्हां दा नां सुन के इन्हां कोल मूँह वट वट रहिंदा हैगा। सारियां ताकतां गुरु नानक साहब ने जिहड़ा इन्हां ने नगर कीर्तन दे विच रुकावटां पाईआं, जिहड़ा गुरु घर नाल धरो कमाया, जिहड़े गुरसिखां दी इन्हां ने बेअदबी कीती, अज उहदा फल ये निकलिया कि बिल्कुल लांभे हो गए। और मैं उम्मीद है कि आने वाले समय के भावें चोणा दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी आवन, भावें चोणा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दी आवन, ये निश्चित अनुभूत होणगे। इन्हां दा हुण सिखां दे गुरधामां दी गुरु घर दे सिखां दी
और राज करन दी जिहड़ी समर्था हैगी उह गुरु ने खत्म कर दित्ती है। इन्हां नूं किसे ने पुछगिछ नहीं करनी, पर मैं अरदास करदा सच्चे पातशाह आने वाले समय दे विच ऐसी विद बना कि जद भी सिख चाहे ननकाणा साहब दे दर्शन नूं जावे, करतारपुर साहब दे दर्शन नूं जावे, पंजा साहब दे दर्शन नूं जावे। आने वाले समय दे विच मैं अपने इस बाइट नूं बहुता लंबा ना करां। जो जो ननकाणा साहब गुरमत समागम होए, पंजा साहब होए, करतारपुर साहब होए और महाराज की पालकी लैके असी करतारपुर साहब पहुँचे, उत्थे पाकिस्तान सरकार ने बड़ी मदद की। उन्होंने कहा जी तुसी लाओ, उन्होंने सानू आवाज़ा भी सुना दी टेलीफोन के उत्ते, जिन्होंने कहा सी कि ये पालकी हुण लगन नहीं देनी, और लफज भी भैड़े वरते सरने दी। सरने दी कहदी पालकी जी, इत संसार भर के सिखां दी श्रद्धा ते सत्कार वाली पार्टी है, तुसी एक धड़े दे ते एक बंदे दे बना के भेजते पे हो। पर इन्हां दीआं चालां फेल होईआं। करतारपुर साहब पंजाब दे गवर्नर दे सामने, और सब तो वड्डी गल सिखां दी महान शख्सियत संत महिंदर सिंह जी बरमिंघम वाले, उन्हां दे सारे साथी वो सारे उत्थे हाजिर सन। जद महाराज दे स्थान दे उत्ते भीड़ सुशोभित हो रही सी, हरविंदर सिंह सरना वालों वाघ लिया गया। सिंह सरना वालों वाघ लिया गया, जिस दे उस कारपुर के धनवादी हाँ जिन्हें
जिन्होंने साढ़े इतनी मेहर की बख्शिश की पुल चुक दी माफ़ी। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह।